तो दंतेवाड़ा, तो कल हमने एक नया जिला स्टार्ट किया था, नाम किया था दंतेवाड़ा, और उसी दंतेवाड़ा को हम आगे बढ़ाना है आज, ठीक है। चले भाई, तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि दंतेवाड़ा जिले का स्थापना कब हुआ, तो आप क्या बोलोगे? 25 मई 1998। क्योंकि हमको ये मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 1998 में 9 नए जिलों का क्या होगा, निर्माण होगा, और 9 नए जिलों में एक जिला क्या था हमारा, दंतेवाड़ा भी था। तो 25 मई 1998 को स्थापित हमारे पास एक जिला है जिसका नाम क्या है, दंतेवाड़ा। और ये जो दंतेवाड़ा जिला है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर का जिला है? तो ये 9वें नंबर का हमारा ये क्या है, जिला है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1998 को सिंहदेव समिति के सिफारिश के तहत हमारे छत्तीसगढ़ में 9 नए जिलों का निर्माण हुआ, और 9 नए जिलों के लिए हमने 2 दिनांक का चुनाव किया। एक दिनांक था क्या 25 मई 1998, और एक क्या था 6 जुलाई 1998। 25 मई 1998 में हमारे छत्तीसगढ़ में 6 जिलों का निर्माण होगा, जिसमें पहला क्या होगा, कांकेर, फिर क्या होगा, दंतेवाड़ा, फिर क्या होगा, कोरिया, फिर क्या होगा, जसपुर, फिर क्या होगा, जांजगीर चांपा, और फिर क्या होगा, कोरबा। वहीं 6 जुलाई 1998 में 3 जिले बनेंगे, जिसमें नाम क्या होगा, महासमुंद, धमदरी और कवर्धा। हमको यह मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 1998 से पहले जिलों की संख्या कितनी थी, 7। 1998 में 9 जिले आए तो कितने बन गए, 16। 1998 में जो पहला जिला बना क्या बना, कांकेर, तो कांकेर कौन से नंबर का बना, 8वां, और दंतेवाड़ा क्या हो गया फिर, 9वां। 2003 में हमारे छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे जिले थे जिसका हमने क्या किया, नामकरण किया, जिसमें एक क्या था, कवर्धा। कवर्धा को हमने 2003 से क्या बोला, कबीरधाम। बस्तर कांकेर को हमने क्या बोला, उत्तरी बस्तर कांकेर, और दंतेवाड़ा को हमने क्या बोला, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो ये ध्यान देना कि आपका जो दंतेवाड़ा है, इसका एक और नाम क्या है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, और इसको दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का जो हमने नामकरण किया है, वो कब किया है, 2003 से। हमको ये मालूम है कि हमारा ये जो दंतेवाड़ा है, हमारे इस दंतेवाड़ा में कुल मिलाकर अगर मैं तहसीलों की संख्या बताऊं तो वह कितनी है, 5। सामान्यतः यहां पर तहसील कितनी थी, 4 थी। अभी हाल ही में एक नया तहसील का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या है, क्या है, बड़े बचेली। तो बड़े बचेली को जोड़कर आपका जो दंतेवाड़ा है, इसमें तहसीलों की संख्या कितनी हो गई, 5। तो इस 5 तहसील में जो पहला तहसील है वो क्या है आपका, गीदम। तो सबसे ऊपर में जो तहसील है वो कौन सा हो गया, गीदम है। गीदम के बाद जो अगला जो तहसील है, उस अगले तहसील को हम क्या बोलते हैं, दंतेवाड़ा। तो ये पूरा क्या है, दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा के बाद जो हमको तहसील मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कटे कल्याण। तो ये पूरा भाग क्या हो गया, कटे कल्याण का। और कटे कल्याण के बाद हम ये देखते हैं कि हमको एक नया तहसील हमको मिलता है यहां पर, जिसका नाम क्या है, बड़े बचेली। और ये जो बड़े बचेली है, ये तहसील बना है किससे अलग होकर, कुआं कोंडा से अलग होकर। तो एक और तहसील का नाम क्या है, कुआं कोंडा। तो आप मुझे बताओ कि आपके दंतेवाड़ा में तहसीलों की संख्या कितनी है, 5। और ये 5 तहसील क्या क्या है, गीदम, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण, बड़े बचेली और कुआं कोंडा। ये बड़े बचेली अभी हाल ही में बना हुआ ये क्या है, तहसील है, और किससे किससे बना हुआ है, आफ्टर बाइफर्केशन फ्रॉम कुआं कोंडा। तो कुआं कोंडा से ये कार्व्ड आउट हुआ और एक नया क्या बना, तहसील हुआ। इन सभी तहसीलों में 4 क्या है, विकासखंड। अभी बड़े बचेली को अपने विकासखंड नहीं बनाया है, तो ये 4 क्या है, विकासखंड। और ये चारों के चारों जो विकासखंड है, ये चारों के चारों जो आपके ब्लॉक है, ये कैसे ब्लॉक है, कम्युनिटी ब्लॉक है, ये आदिवासी विकासखंड है। तो ये सभी क्या है, आदिवासी विकासखंड भी। अगर ये हमारा क्या है, दंतेवाड़ा, तो यदि अगर ये दंतेवाड़ा जिला है, तो ध्यान देना कि दंतेवाड़ा जिला अपने उत्तर में एक जिले को स्पर्श करेगा, हालांकि पूरे उत्तर से लेकर अपने पूरे पश्चिम में, ये उत्तर से लेकर अपने पूरे पश्चिम में एक जिले को टच करता है। और ये जो जिला होता है, इसका नाम क्या बताओ आप, बीजापुर।
तो इधर मैं पूरे किससे टच कर रहा है, बीजापुर से। आप कभी कंफ्यूज मत होना कि ये अपने उत्तर में नारायणपुर से स्पर्श करता है, क्योंकि कई हमारे पास ऐसे मैप हमको मिलते हैं जिसमें ये दिखता है कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं। नारायणपुर दंतेवाड़ा से टच नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये अपने पूरे उत्तर से लेकर अपने पूरे पश्चिम में एक जिले को स्पर्श कर रहा है, नाम क्या है, बीजापुर। अगर ये हमारा क्या है, दंतेवाड़ा, तो मुझे मालूम है कि दंतेवाड़ा जिला जो हमारा है ये पूरा अपने दक्षिण में और दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक ये एक जिले को स्पर्श करता है जिसका नाम क्या है, सुकमा। तो इधर पूर्व में क्या आ गया, सुकमा, और ये अपने पूरे पूर्व में और अपने पूरे उत्तर पूर्व में एक जिले को स्पर्श करेगा जिसका नाम क्या होगा, बस्तर होगा। नाम क्या हो जाएगा आपका, बस्तर। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि बस्तर जिले से अलग होने वाला जिला क्या है, दंतेवाड़ा, जिसका स्थापना कब हुआ, 25 मई 1998 को। यह हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर का जिला है, 9वें नंबर का। और इस जिले का नामकरण कब हुआ, 2003 में। 2003 से इसको हमने क्या बोला, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। और इस दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कितना जिला वर्ष में बना रहा है, 3, किसे किसे, बीजापुर, सुकमा और बस्तर से। और ये कितना राज्यवर बना रहा है, तो ये एक भी राज्यवर सीमा नहीं बनाता, कौन सा आपका, दंतेवाड़ा। इस दंतेवाड़ा में कुल मिलाकर तहसीलों की संख्या कितनी है, 5। क्या क्या है, गीदम, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण, कुआं गोंडा और बड़े बचेली। इसमें नवीनतम तहसील कौन सा है, बड़े बचेली। और ध्यान देना, बड़े बचेली से पहले आपके छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या कुल मिलाकर 149 थी। तो बड़े बचेली के तहसील बनने के बाद ये कौन से नंबर का तहसील बन गया, 150वां। तो ये 150वें नंबर का ये क्या था, तहसील है, कौन, बड़े बचेली। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन आप लोगों, तो फिर भी आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना आप, ये जो आपका क्या है, दंतेवाड़ा। इस दंतेवाड़ा को जब और गौर से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बस्तर और दंतेवाड़ा के बीच में, बस्तर और दंतेवाड़ा के बीच में आपको एक पहाड़ी श्रृंखला मिलती है। और ये जो पहाड़ी श्रृंखला है, इस पहाड़ी श्रृंखला को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, इस पहाड़ी श्रृंखला को हम बोलेंगे बोधघाट पहाड़ी। तो इधर में आपको क्या मिल रहा है, एक पहाड़ मिल रहा है, और ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम क्या है, बोधघाट पहाड़ी। तो ऊपर में कहां कौन सा पहाड़ है, बोधघाट पहाड़ी। फिर से जब आप दंतेवाड़ा को देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि ये जो दंतेवाड़ा है, ये जो आपका दंतेवाड़ा है, इस दंतेवाड़ा में आपको एक और पहाड़ मिलेगा। और ये जो पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ आपका कहां तक जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। और इस पहाड़ को हम क्या बोलेंगे, टांगरी डोंगरी पहाड़ी। तो इधर में एक पहाड़ कौन सा हो गया, टांगरी डोंगरी पहाड़ी। तो ये पहाड़ का नाम क्या है, टांगरी डोंगरी। ठीक है, तो बस्तर को दंतेवाड़ा से अलग करने वाला कौन कौन सा पहाड़ है, बोधघाट पहाड़ी और टांगरी डोंगरी पहाड़ी। तो ये पहाड़ कौन सा हो गया, बोधघाट, और ये क्या हो गया आपका, टांगरी डोंगरी पहाड़ी। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आपका बस्तर है या ये जो आपका दंतेवाड़ा है, इस दंतेवाड़ा के इस क्षेत्र में एक कैसा गुंबद आकार का आपको क्या मिलेगा, पहाड़ मिलेगा। ठीक है, ये जो गुंबद आकार का जो पहाड़ है, ये दिखाई देता है कैसा, बैल जैसा। इसीलिए इस पहाड़ का नाम क्या है, बैला डीला। क्या नाम हो गया, बैला डीला। तो इस पूरे एरिया में आपके पहाड़ मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, बैला डीला पहाड़। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, बैला डीला पहाड़। क्या पहाड़ लिख दूंगा, बैला डीला। इसके अलावा ये जो आपका दंतेवाड़ा है, इस दंतेवाड़ा के बीचों बीच में, खासकर दंतेवाड़ा शहर में, आपको फिर से एक क्या मिलेगा, पहाड़ी श्रेणी मिलेगा। और ये जो पहाड़ी श्रेणी होगा, इसका नाम क्या होगा, चूड़ी डोंगरी। तो आपको एक और पहाड़ क्या मिल जाएगा, चूड़ी डोंगरी। ठीक है, हालांकि यहां पहाड़ों की संख्या बहुत सारे हैं, यहां पर भी एक पहाड़ से नाम है पुल पहाड़। क्या पहाड़ है ये, पुल पहाड़। इसको फुलगट्टा जंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुलगट्टा जंगल। तो इस फुलगट्टा जंगल में कौन सा पहाड़ है, पुल पहाड़। क्या बोलो, पुल पहाड़। तो आप ये समझो कि आपका जो दंतेवाड़ा है, इस दंतेवाड़ा में हमको हर जगह चारों तरफ क्या दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि जहां इतने सारे क्या होंगे, पहाड़ होंगे, तो पहाड़ में हमेशा क्या होता है, चट्टान। और चट्टान किससे बनता है, खनिज से। मतलब आपके दंतेवाड़ा में हमें भारी मात्रा में क्या मिलेगा, खनिज मिलेगा।
तो खनिज के रूप में हमें यहां क्या मिलता है, आयरन ओर मिलता है। क्या मिलता है? आयरन ओर। अब वो आयरन ओर खास तरह हमें कहां मिलता है, कहां मिलता है? बेलाडीला पहाड़ी में। कहां मिलेगा? बेलाडीला पहाड़ी में। क्लियर है? इतना भी हम पढ़ चुके थे। अब ध्यान देना, जब कभी भी मैं किसकी बात करूंगा, दंतेवाड़ा की, तो मान लो ये मेरा क्या है, दंतेवाड़ा। ऐसी ना दे रहा हूं, ठीक है? मान लो ये हमारा क्या है, दंतेवाड़ा। इस दंतेवाड़ा में अगर मुझे प्रवेश करना है, तो प्रवेश करने के लिए मैं एक क्या करूंगा, एक स्टेट हाईवे पकड़ूंगा। और ये जो मेरा स्टेट हाईवे होगा, इस स्टेट हाईवे का नाम क्या होगा, SH5। क्या नाम होगा? SH5। तो ये क्या होगी आपका स्टेट हाईवे क्रमांक 5। हमको मालूम है कि दंतेवाड़ा ऊपर में और अपने पूरे पश्चिम में एक जिले को स्पर्श कर रहा है, नाम क्या है? बीजापुर। लेकिन बीजापुर के ऊपर में क्या है? नारायणपुर। और ये स्टेट हाईवे कहां से आ रहा है? नारायणपुर होते हुए। कहां से आ रहा है ये? नारायणपुर होते। तो ये जो स्टेट हाईवे है, ये जो SS5 है, ये आपके छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा क्या है? स्टेट हाईवे है। आपके छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 27 स्टेट हाईवे है। उन 27 स्टेट हाईवे में जो सबसे लंबा स्टेट हाईवे वो कौन सा है? SH5। तो छत्तीसगढ़ में कितने स्टेट हाईवे हैं? 27। उन 27 स्टेट हाईवे में जो सबसे लंबा स्टेट हाईवे है वो कौन सा है? SH5। क्या आपका? SH5। मैंने कल बताया था कि जो स्टेट हाईवे है, इस स्टेट हाईवे से आप सीधा कहां जाओगे? दंतेवाड़ा। कहां जाओगे आप? दंतेवाड़ा। इसी दंतेवाड़ा से ये स्टेट हाईवे क्या हो जाएगा? बाइफर्केट हो जाएगा। एक कहां जाएगा? कोंटा की ओर। कहां जाएगा? कोंटा की ओर। क्या होते हुए? बचेली होते हुए। और एक सीधा कहां जाएगा? सुकमा की ओर। तो जो SS5 है वो कहां जाएगा? सुकमा की ओर। और यही SS5 यहां क्या बन जाएगा? SS27। और जो SS27 है ये कहां जाएगा? कोंटा की ओर। ये भी कल हमने पढ़ लिया था। तो ये कौन सा स्टेट हाईवे? SS5। SS5 कहां से? दंतेवाड़ा से। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। SS5 जो है वो कहां जाएगा? सुकमा के लिए। और दंतेवाड़ा से एक नया रोड निकलेगा, कौन सा? SS27। और SS27 कहां जाएगा? कोंटा के लिए। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपको दंतेवाड़ा से सुकमा जाना है तो कौन सा स्टेट हाईवे? SS5। अगर आपको दंतेवाड़ा से कोंटा जाना तो कौन सा स्टेट हाईवे? SS27। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे SS5। क्या आपका? SS5। ये आपका कवर्धा से निकलता है। कवर्धा से कहां जाएगा? सहसपुर लोहारा। सहसपुर लोहारा से कहां जाएगा? गंडई। गंडई से चुही खदान। चुही खदान से खैरागढ़। खैरागढ़ से कहां? राजनांदगांव। राजनांदगांव से अर्जुनी होते हुए ये कहां जाएगा? हल्का सा बालोद। और फिर वहां से कहां आएगा? भानुप्रतापपुर। वहां से कहां जाएगा? अंतागढ़। अंतागढ़ से कहां जाएगा? नारायणपुर। नारायणपुर से कहां जाएगा? ये छोटे डोंगर। छोटे डोंगर से अब ये कहां जाएगा? दंतेवाड़ा। ये आपका SH5, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा ये क्या है? स्टेट हाईवे है। अब ये ध्यान देना, जब कभी भी आप स्टेट हाईवे से प्रवेश करोगे, कहां पर? दंतेवाड़ा में, तो सबसे पहले आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? बारसूर। नाम क्या होगा? बारसूर। ठीक है, आज इसको कंप्लीट करेंगे पूरा अपन। और इस बारसूर में, आज इस बारसूर में आपको एक राजा मिलेंगे जिनका नाम क्या होगा? राजा बनासूर। तो बारसूर में आपको एक राजा मिलेंगे जिसका नाम क्या है? राजा बनासूर। और राजा बनासूर आपको बोलेंगे कि मेरा नाम राजा बनासूर है और मैं गंग वंश का क्या हूं? राजा। मुझे एक छिंदक नागवंश राजा ने पराजित किया था जिसका नाम क्या था? नृपति भूषण। हम पढ़ेंगे इसको आगे चलकर जब इतिहास पढ़ेंगे। तो यहां पर एक राजा बनासूर और राजा बनासूर आपको बताएंगे कि मेरी एक बेटी थी और मेरी उस एक बेटी का नाम था क्या? ऊषा। क्या नाम था? ऊषा। मेरी बेटी ऊषा की एक सहेली थी जिसका नाम क्या था? चित्रलेखा। तो ऊषा और चित्रलेखा, तो यही ऊषा और ये दोनों और ये चित्रलेखा, ये दोनों मिलकर इस बारसूर में एक मंदिर का निर्माण करेंगे, क्योंकि उस समय बारसूर में कोई मंदिर हुआ नहीं करता था। और यहां पर एक मंदिर का निर्माण करेंगे जो क्या होगा? गणेश मंदिर। और गणेश मंदिर में ये दो गणेश प्रतिमा का क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। ऊषा जो है ये एक विशाल गणेश प्रतिमा का स्थापना करेगी जिसकी हाइट कितना होगा? 7.5 फीट का। तो बारसूर में आपको एक 7.5 फीट का विशाल गणेश प्रतिमा मिलता है जिसको कमलाई थी ऊषा, और एक 5.5 फीट का विशाल गणेश प्रतिमा कौन बनाएगी? चित्रलेखा।
तो चित्रलेखा कितना फीट का? 5.5 फीट का। उषा कितना? 7.5 फीट का। कहां पर? बारसुर में। बारसुर का राजा कौन? बनासुर। बनासुर की पुत्री कौन? उषा। उषा की सहेली कौन? चित्रलेखा। कितने प्रतिमा? 2 प्रतिमा। कैसे? गणेश भगवान के। कितने हाइट के? 7.5 फीट और 5.5 फीट रेस्पेक्टिवली, उषा का और चित्रलेखा का। फिर हम जब और यहां भ्रमण करेंगे, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आपका बारसूर है, इस बारसूर में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? तालाब मिलेंगे। तो एक तालाब आपका यहां पर था, इसका नाम क्या था? बूढ़ा तालाब। क्या नाम था? बूढ़ा तालाब। मतलब बारसूर के बीचों बीच में आपको एक झील मिलेगा, बड़ा सा, नाम क्या है? बूढ़ा तालाब। उसी बूढ़ा तालाब के पास आपको एक मंदिर मिलेगा, नाम क्या है? सूर्य मंदिर। क्या मंदिर है? सूर्य मंदिर। तो एक बूढ़ा तालाब है और बूढ़ा तालाब के पास एक मंदिर कौन सा है? सूर्य मंदिर। मतलब जब बारसूर जाओगे तो आपको तालाब क्या मिलेगा? बूढ़ा तालाब। वहीं पर आपको एक क्या मंदिर मिलेगा? शिव मंदिर। इसी शिव मंदिर को देखने के बाद आपको यहां पर एक और तालाब मिलेगा, और ये जो तालाब होगा इसका नाम क्या होगा? सिंहराज तालाब। क्या तालाब है? सिंहराज तालाब। तो दो तालाब, एक तालाब क्या है? बूढ़ा तालाब। नाम क्या है? सिंहराज तालाब। क्या तालाब है? सिंहराज तालाब। इसी सिंहराज तालाब के पास आपको एक और तालाब मिलेगा या एक झील मिलेगा। ये तालाब और झील, आप या झील ही बोल दो, यहाँ पे क्या मिलेगा? एक झील मिलेगा, इसका नाम क्या है? गनमन झील। क्या झील? गनमन झील। तो आपको एक झील मिलेगा, नाम क्या है? गनमन झील। मैं लिख देता हूं उसको, गनमन झील, ठीक है। तो एक क्या है? बूढ़ा तालाब। फिर एक क्या है? सिंहराज तालाब। कैसा राज? सिंहराज। और एक झील कौन सा? गनमन झील। इस गनमन झील के पास आपको एक और झील मिलेगा, और ये जो झील होगा इसका नाम क्या होगा? पखना तरई झील। क्या झील? पखना तरई झील। तो पखना तरई झील, गनमन झील, बूढ़ा झील और सिंहराज झील। तो कितने झील? 4 झील। क्या क्या? बूढ़ा झील, सिंहराज झील, गनमन झील और पखना तरई झील। ये कहां मिलेगा आपको? बारसूर में। कहां मिलेगा आपको? बारसूर में। तो बारसूर जाने के लिए कौन सा स्टेट हाईवे? SS5। SS5 में जाओगे तो कौन राजा मिलेगा आपको? राजा बनासुर। राजा बनासुर के नाम से क्या बना है? बारसूर। राजा बनासुर की पुत्री कौन? उषा। उषा की सहेली कौन? चित्रलेखा। क्या बनाएंगे ये लोग? गणेश प्रतिमा। कितने हाइट का? 7.5 फीट और 5.5 फीट। जो अगर बारसूर है, कितने तालाब? 4। क्या क्या? बूढ़ा तालाब, सिंहराज तालाब, गनमन झील और पखना तरई झील। क्या झील है? पखना तरई झील। जब इस बारसूर में आप और भ्रमण करोगे, तो इसी बारसूर में आपको कौन मिलेगा? बनासुर। और ये बनासुर आपको बताएंगे कि मेरे से पहले भी यहां पर एक गंग राजा था, और वो जो गंग राजा था उसका एक क्या था? भांजा था। और उसका भांजा जो था वो बहुत अच्छा क्या था? तो वास्तुकार था। वो मूर्ति कला और चित्रकला से वो क्या था? निपुण था। मतलब बहुत ही अच्छा, वो क्या करता था? मूर्ति निर्माण करता था। तो उसने अपने समय में, उसी राजा के भांजे ने यहां पर एक 50 फीट ऊंचाई में क्या बनाया था? मंदिर बनाया था। तो भांजा ने 50 फीट ऊंचा क्या बनाया? मंदिर बनाया। जब भांजा ने उस 50 फीट ऊंचा मंदिर का निर्माण किया, तो उस भांजा के मामा ने अपने भांजा को बोला कि इस मंदिर का नामकरण तू मेरे नाम से कर दे, लेकिन भांजा उसको अस्वीकार। जिसके बाद वो जो मामा, जो राजा था, वो क्या हुआ? क्रोधित हो गया। लेकिन जो भांजा है वो तब भी नहीं माना, और अंत में भांजा को अपने मामा को क्या करना पड़ा? मारना पड़ गया। बाद में भांजा को क्या हुआ? समझ में आया कि उसने बहुत गलत किया, क्योंकि राजा के नाम से अगर वो मंदिर का निर्माण कर भी देता तो वो क्या? गलत था। तो होगा ये कि अपने उसी राजा के स्मृति में या उसके वियोग में, अपने मामा के वियोग में, धीरे से भांजा का भी क्या हो जाएगा? निधन हो जाएगा। अब जब भांजा का भी निधन हो जाएगा, तो भांजा का वहां पर प्रतिमा बनाया जाएगा किनके द्वारा? वहां के लोकल लोगों के द्वारा। हालांकि भांजा ने अपने मामा का यहां पहले ही एक प्रतिमा स्थापित कर चुका था उनके स्मृति में। इसीलिए इस मंदिर को हम क्या बोलते हैं? मामा भांजा मंदिर।
तो बारसूर में आपको एक 50 फीट की ऊंचाई में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है, मामा भांजा मंदिर। अब मामा कौन था, भांजा कौन था, इसका उल्लेख किसी भी शिलालेख या अभिलेख में यहां पर नहीं मिलता। बस ये समझ में आता है कि बनासुर से पहले भी कोई एक राजा हुआ करता था, उसका भांजा ने इस मंदिर का क्या किया, निर्माण किया, और उस भांजा ने अपने मामा का हत्या कर दिया, इसीलिए इस मंदिर का नाम क्या है, मामा भांजा मंदिर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50 फीट की। उस मामा भांजा मंदिर के अंदर में आपको क्या मिलेगा, गणेश प्रतिमा और कार्तिकेय का प्रतिमा। कार्तिकेय जो कौन होते हैं, मुरुगन, और गणेश और कार्तिकेय के मामा कौन है, विष्णु, इसलिए भी इसका नाम क्या है, मामा भांजा मंदिर। तो बारसूर में भी आपको एक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा मिलेगा, मामा भांजा मंदिर। ठीक है, तो पहला मंदिर कौन सा है, गणेश मंदिर, फिर नाम क्या है, मामा भांजा मंदिर। इसी मामा भांजा मंदिर को देखने के बाद आपको यहां पर एक व्यक्ति मिलेंगे जिनका नाम क्या है, सोमेश्वर देव। ये सोमेश्वर देव आपको बताएंगे कि मेरी जो पत्नी है उनका नाम क्या है, गंग महादेवी। क्या नाम है, गंग महादेवी। मैं सोमेश्वर देव, मैं अपने समय का, अपने वंश का सबसे प्रतापी राजा था, मैं सोमवंशियों में सबसे प्रतापी क्या रहा हूं, राजा रहा हूं। और जब तक मैं शासन करता था तब तक समूचे उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मेरी तूती बोलती थी। लेकिन मुझे हराने वाला एक रतनपुर का शासक था, जिसका नाम क्या था, जाजल देव। क्या नाम था, जाजल देव। तो जाजल देव ने इस सोमेश्वर देव को क्या किया था, पराजित किया था। हालांकि सोमेश्वर देव की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, गंग महादेव, और उनकी 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 मां का नाम क्या था, गुंड महादेवी। तो ऐसा कहा जाता है कि 1030 ईस्वी में सोमेश्वर देव की पत्नी गंग महादेवी ने यहां पर एक मंदिर का निर्माण की थी, और उस मंदिर को हम बोलते हैं क्या, बत्तीसा मंदिर। क्या मंदिर है, बत्तीसा मंदिर। मतलब बारसूर में आपको एक मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है, बत्तीसा मंदिर। उस बत्तीसा मंदिर की खास बात क्या है, उसकी खास बात यह है कि जब कभी भी आप मंदिर जाओगे, कहां जाओगे आप, बत्तीसा मंदिर जाओगे, तो बत्तीसा मंदिर के बीचों बीच में आपको क्या मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, शिवलिंग। उस शिवलिंग के चारों तरफ आपको 32 क्या मिलेंगे, खंभे मिलेंगे। कितने खंभे मिलेंगे, 32 खंभे मिलेंगे। और ये 32 के 32 खंभे दर्शाती हैं 32 देवियों को। किनको, 32 देवियों को। ये 32 देवी आपस में क्या है, बहन है, और उनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, दंतेश्वरी माता। क्या बोलते हैं, दंतेश्वरी माता। ऐसा कहा जाता है, जब कभी आप हिंदू मैथोलॉजी पढ़ोगे तो सती के पिता कौन थे, प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष जो थे वो कभी नहीं चाहते थे कि सती का विवाह किनसे हो, शिवजी से। वो हमेशा किससे चाहते थे कि उनका विवाह किसे हो, विष्णु से। लेकिन अंततः सती माता का विवाह किनसे होता है, भगवान शिव से। तो एक बार प्रजापति दक्ष क्या करते हैं, यज्ञ रखते हैं, और यज्ञ में किनको नहीं बुलाते हैं, शिव जी को, जिसके कारण जो सती माँ है वो क्या होती है, गुस्सा आ जाती है, और वो आती है कहां पर, उस हवन के पास, और अपना क्या करती है, आत्मदाह कर लेती है, जिसके बाद कौन आते हैं, शिव जी आते हैं, और प्रजापति दक्ष के गला को काटकर उसमें बकरा का सिर लगा देते हैं, और उसके बाद वो उसको उनको उठाकर क्या करते हैं, तांडव करते हैं, जिसके बाद पूरे सृष्टि में क्या आता है, प्रलय आ जाता है। तो सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र चलाना पड़ता है, और वो सुदर्शन चक्र चलाते हैं, जिसके बाद सती माता का पूरा अंग क्या होता है, कट जाता है, और वो धरती में गिर जाता है, और उस अंग का जो संख्या कितना होता है, 152। और जहां जहां वो अंग गिरता है वहां वहां पर क्या बनता है, शक्ति भी। तो उसी श्रृंखला में सती माता का जो दांत है वो कहां गिरा था, दंतेवाड़ा, इसलिए उस माता का नाम क्या है, दंतेश्वरी। क्या नाम है, दंतेश्वरी। तो ये दंतेश्वरी है, तो दांत गिरा है, और दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। इसलिए बहनों की संख्या कितनी हुई, 32। इसमें सबसे बड़ी बहन वो कौन होती है, मावली। तो दंतेश्वरी माता की सबसे बड़ी बहन कौन है, मावली माता। दंतेश्वरी माता की सबसे छोटी बहन कौन है, हिंगलाजिन माता। कौन है, हिंगलाजिन माता। तो ये जो आपके कितने खंबे हैं, 32 खंबे। इन सब 32 खंबे में 32 क्या है, देवियां हैं, जो आपस में क्या है, बहनें हैं।
इसमें एक कौन है दंतेश्वरी माता, एक कौन है मावली माता, एक कौन है हिंगलाजिन माता, एक कौन है हीरमराज माता, एक कौन है पेंड्रावाड़िन माता, एक कौन है परदेसिन माता, एक कौन है बिलाई माता एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरे 32 की 32 यहां पर क्या है, देवी माता है। और इसीलिए इस मंदिर का नाम क्या है, बत्तीसा मंदिर। और इस बत्तीसा मंदिर का स्थापना कब हुआ, 1030 ईस्वी में। ठीक है, और 1030 ईस्वी में इस बत्तीसा मंदिर का स्थापना करने वाले कौन है, गंग महादेवी। कौन है, गंग महादेवी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, बासुरा प्रवेश करोगे सबसे पहले कौन सा स्टेट हाईवे, SS5। कितने तालाब, 4 तालाब। क्या क्या, बूढ़ा तालाब, सिंगराज तालाब, गनमन झील और पखना तरई झील। बारसूर में कौन सा मंदिर, गणेश मंदिर। कौन बनाया, ओसा। कितना फीट, 7.5 फीट। और चित्रलेखा कितना, 5.5 फीट। किसकी बेटी, बानासुर की। यहां पर एक और मंदिर जो 50 फीट की ऊंचाई में, कौन सा है, मामा भांजा मंदिर। ऐसा ही मामा भांजा मंदिर आपको एक और मिल जाएगा महासमुंद जिले में भी। कहां मिल जाएगा, महासमुंद जिले में भी। याद रखना, मामा भांजा मंदिर एक और कहां पर है, महासमुंद जिले में भी है। इसके अलावा जब आप यहां पर और भ्रमण करोगे, आप महासमुंद जिला जाओगे ना, तो वहां पर एक जगह है, कौन सी जगह बताओ, बाघ बहरा। वेरी गुड, बाघ बहरा के पास क्या है, मामा भांजा मंदिर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान देना, इसी बारसूर में आपको एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम है पेडम्बागुड़ी मंदिर। क्या मंदिर है, पेडम्बागुड़ी मंदिर। तो आपको एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है, पेडम्बागुड़ी मंदिर। अब मैंने बोला पेडम्बागुड़ी मंदिर, तो ध्यान देना, पेडम्बागुड़ी मतलब गुड़ी। गुड़ी कहां पर, आपका दंतेवाड़ा में। और दंतेवाड़ा के गुड़ी में क्या है, तो दंतेश्वरी मंदिर। और उस दंतेश्वरी मंदिर का स्थापना करता कौन है, अन्नम देव और उसकी पत्नी राजश्री देवी। तो अन्नम देव इसी बारसूर में दंतेश्वरी दंतेश्वरी माता के ही स्मृति में यहां एक मंदिर का निर्माण करेंगे जिसका नाम क्या है, पेडम्बागुड़ी मंदिर। तो पेडम्बागुड़ी मंदिर का निर्माण करने वाले कौन है, अन्नम देव। कौन है, अन्नम देव। तो अन्नम देव यहां पर एक मंदिर का निर्माण करेंगे बारसूर में, नाम क्या है, पेडम्बागुड़ी मंदिर। इसी पेडम्बागुड़ी मंदिर के बाजू में आपको एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम है हीरमराज मंदिर। क्या नाम है, हीरमराज मंदिर। तो आपको यहां पर एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है, हीरमराज मंदिर। इसी हीरमराज मंदिर के अब आगे बढ़ोगे तो आपको यहां पर एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम है वीर सिली सिले माता मंदिर। तो यहां पर क्या क्या मंदिर हो गया, पहला गणेश मंदिर, फिर क्या है, बत्तीसा मंदिर, फिर क्या है, मामा भांजा मंदिर, फिर क्या है, पेडम्बागुड़ी मंदिर, और हीरमराज मंदिर, और वीर सिली सिले माता मंदिर। जब यहां पर आप और भ्रमण करोगे तो आपको यहां पर एक और आदमी मिलेगा जिसका नाम होगा चंद्र आदित्य। ये चंद्र आदित्य आपको बताएंगे कि मैं चंद्र आदित्य, मैं सेनापति हूं छिंदक नागवंशी राजा जगदेव भूषण का। और जगदेव भूषण ने आज तक जितने भी अगर वो क्षेत्र जीता है तो वो सभी क्षेत्र मेरे पराक्रम और शौर्य कारण जीता है। और मेरे ही नाम से यहां एक मंदिर का निर्माण हुआ है जिसका नाम क्या है, चंद्र आदित्य शिव मंदिर। तो बारसूर में आपको एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है, चंद्र आदित्य शिव मंदिर। क्या बोलो, चंद्र आदित्य शिव मंदिर। चंद्र आदित्य शिव मंदिर के बाजू में आपको एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है, विजय आदित्य शिव मंदिर। क्या बोलो, विजय आदित्य शिव मंदिर। तो ये मंदिर क्या है, चंद्र आदित्य शिव मंदिर, और ये क्या है, विजय आदित्य शिव मंदिर। जब हम लोग यहां पर और भ्रमण करेंगे तो इसी भ्रमण करने दौरान हमको यहां एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है, नाग देवता मंदिर। क्या मंदिर, नाग देवता मंदिर। उसी नाग देवता मंदिर के जब आगे आप बढ़ोगे तो आपको एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है, सोनादाई मंदिर। क्या मंदिर, सोनादाई मंदिर। तो आपको एक और मंदिर क्या मिल जाएगा, सोनादाई मंदिर। उस सोनादाई मंदिर को देखने के बाद आप एक आश्रम जाओगे जिसका नाम क्या है, वनवासी आश्रम। क्या आश्रम, वनवासी आश्रम। है ना भाई, कल पढ़ाया था सब चीज में, क्या आश्रम, वनवासी आश्रम। और उसी वनवासी आश्रम के पास
उसी वनवासी आश्रम के पास आपको एक मंदिर मिलेगा, उसका नाम क्या है? नागफनी मंदिर। क्या मंदिर? नागफनी मंदिर। और उसी नागफनी मंदिर के आगे में आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या है? मुचनार। क्या है? मुचनार। और मुचनार में कौन है? वासुकी देवता। कौन है? वासुकी देवता। तो शायद कल हमने इतना पढ़ा था, अब इसके आगे हमको पढ़ना है। और अब हम देखते हैं कि हमारे कहां पर दंतेवाड़ा में हमें और क्या मिलता है। चलो भाई, एक चीज और हमने पढ़ा था, हमने ये देखा था कि ये जो आपका बोध घाट पहाड़ी है, इस बोध घाट पहाड़ी में एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है? क्या नदी है? इंद्रावती नदी। शिवनाथ कहां से आई? क्या नदी है? इंद्रावती। तो बोध घाट पहाड़ी में एक नदी कौन सी आ रही है? इंद्रावती। और इंद्रावती को पानी कौन दे रही है? बोर्डिंग। कौन दे रही है? बोर्डिंग। और जब इंद्रावती को बोर्डिंग पानी देगा तो इंद्रावती इसी बोध घाट पहाड़ी से क्या होगा? नीचे गिरेगा। और नीचे गिरने के बाद कितने बार नीचे गिरेगा? 7 बार। तो 7 बार गिरने के कारण यहां कौन सा वाटरफॉल? सप्तधारा वाटरफॉल। क्या वाटरफॉल? सप्तधारा वाटरफॉल। तो यहां पर इंद्रावती नदी एक वाटरफॉल बनाएगी, नाम क्या है? सप्तधारा वाटरफॉल। और वो धारा क्या है? पहला बोध धारा, कपिल धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, शिव धारा, बाण धारा और शिव चित्र धारा। ये भी पढ़ लिया था अपन, ठीक है। और इसके अलावा इसी बोध घाट में एक परियोजना है, कौन सा? बोध घाट परियोजना। और इस बोध घाट परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1979 में। किसने किया शुरुआत? मोरारजी देसाई ने। तो मोरारजी देसाई ने यहां पर कौन सी परियोजना का नींव डाला था? बोध घाट परियोजना का। कब? 1979 में। ये हमने देखा था कि इस परियोजना जब नींव डाला गया था तो ये बोध घाट परियोजना में जो परियोजना है उसमें जो डैम बन रहा था वो कितने हाइट का? 90 फीट का। और यहां क्या बनने वाला था? हाइडल पावर स्टेशन। हाइडल पावर स्टेशन कितना क्षमता? 500 मेगावाट। कितना यूनिट? 4 यूनिट। कैसे? 125 मेगावाट के 4 यूनिट। लेकिन अभी भी ये बोध घाट परियोजना बनकर तैयार नहीं हो पाया है। और अभी हाल ही में आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है? भूपेश बघेल, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इस बोध घाट परियोजना में जो 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना था, अब वो 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन ना होकर अब वो कितना होगा? 300 मेगावाट। तो बोध घाट परियोजना में अब यहां पर अगर कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि बोध घाट परियोजना में बिजली का उत्पादन अगर होना है, अगर वहां हाइड्रल पावर स्टेशन लगना है, तो उस हाइड्रल पावर स्टेशन से कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा? 300 मेगावाट। पहले कितना था? 500 मेगावाट, ठीक है। तो अब आप क्या लोगे आंसर? 300 मेगावाट। कौन सा? बोध घाट परियोजना, ठीक है। ये भी हम पढ़ लिए थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका इंद्रावती है, इसी इंद्रावती में इसी बारसूर की, बारसूर एक धार्मिक स्थल हो गया, इतने सारे मंदिर हैं, तो इस बारसूर में आपको इंद्रावती से मिलने वाली कौन सी थी? एक गुदरा और एक क्या? एक शंखनी डंकनी। तो ये गुदरा, शंखनी डंकनी और इंद्रावती का ये क्या है? संगम है क्या आपका? बारसूर। और पुराने जमाने में इसी बारसूर में तालाबों की संख्या कितनी थी? 147 और मंदिर कितने थे? 147, है ना। तो आई होप हमने इतना पढ़ा था, अब इसके आगे मेरे को आपको पढ़ाना है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना, तो अब जब कभी भी हम बारसूर से आगे बढ़ेंगे तो बारसूर के ठीक आगे में आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? गीदम। तो स्टेट है क्रमांक 5। अब हम बारसूर से क्या हुए आगे बढ़े, आप सबको इमेजिनेशन में जाना है। आप सब ये इमेजिन करोगे कि आप अपने गाड़ी से कहां गए हो? बारसूर गए हो। अगर आपको बारसूर जाना है तो कौन सा स्टेट हाईवे? SS5। अब आप बारसूर से आप आगे बढ़ रहे हो तो आप कहां जाओगे? गीदम। कहां पहुंचाओगे आप? गीदम। जब आप ये गीदम जाओगे तो इसी गीदम के पास आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है समलूर। क्या बोलो? समलूर। तो गीदम के पास आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या है? समलूर। क्या बोलो? समलूर। जब आप ये समलूर जाओगे तो इसी समलूर में आपको एक राजा मिलेंगे जिनका नाम होगा राजा बनासुर। वापिस को मिलेंगे राजा बनासुर। ये राजा बनासुर आपको बोलेंगे कि भाई मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे ही नाम से बारसूर नामक नगर बसा है।
और मैं जो बनासुर हूं, मैं बनासुर हमेशा हर दिन बारसुर से नहाने के लिए आता था। कहां? समनूर। सोचो, ये समनूर जाते थे क्या करने के लिए? कहां? समलूर। समलूर नाम है। क्या नाम है? समलूर। तो समलूर जाते थे क्या? नहाने के लिए। तो समलूर में एक कुंड है, उस कुंड में स्नान कौन करते हैं? राजा बनासुर। फिर राजा बनासुर आपको बताएंगे कि यहां मैं स्नान करने इसलिए आता था क्योंकि इसी कुंड के पास एक मंदिर है और उस मंदिर में कौन है? मेरे महादेव है, और मैं अपने महादेव को प्रणाम करने के लिए कहां से कहां आता हूं? बारसुर से समलूर आता। और उस महादेव का जो शिवलिंग है उसकी एक विशेष बात है, उस महादेव का जो मूर्ति है उसका एक विशेष बात है, वो लाल बालुई मिट्टी से क्या है? निर्मित है। कैसे मिट्टी से निर्मित है? लाल बालुई। और वो जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की विशेषता ये है कि वो तीन भाग से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। और ये पूरा 360 डिग्री क्या होता है? रोटेट हो जाता है। 360 डिग्री क्या होता है? ये रोटेट होता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी इस पूरे मूर्ति को अलग कर दे तो वो विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी मत करना मत। ठीक है ये यहां पर क्या है? एक मंदिर है, और मंदिर कहां पर है? समलूर में। तो समलूर में महादेव को प्रणाम करने के लिए कौन जाता था? राजा बारसुर, बनासुर। कौन? राजा बनासुर। तो जब कभी भी अगर आप अब दंतेवाड़ा जाओगे तो दंतेवाड़ा में आप कहां जाओगे? बारसुर। बारसुर के बाद फिर कहां जाओगे आप? गीदम। और गीदम से आप कहां जाओगे? समलूर। और समलूर जाके आप किनको प्रणाम करोगे? महादेव को। और कहां स्नान करोगे? उस कुंड में, जो कुंड कहां पर है? समलूर में। और इस कुंड में स्नान करने कौन जाते थे? राजा बनासुर। और स्नान करने के बाद वो किनका प्रार्थना करते थे? किनका? महादेव का। महादेव को प्रणाम करने के बाद यही राजा बनासुर आपको बोलेंगे कि इनको प्रणाम करने के बाद मैं इसी समलूर से 3 किलोमीटर की दूरी में, कितने किलोमीटर की दूरी में? 3 किलोमीटर की दूरी में, इस समलूर से 3 किलोमीटर की दूरी में एक गांव था जिसका नाम था तालूर। क्या गांव था? तालूर। तो इस समलूर से 3 किलोमीटर की दूरी में एक गांव है जिसका नाम क्या है? तालूर गांव। क्या गांव है? तालूर। और इसी तालूर गांव में एक गुफा है जिसका नाम है तालूर गुफा। क्या नाम है? तालूर गुफा। तो गीदम के पास आपको एक गुफा मिलेगा जिसका नाम क्या है? तालूर गुफा। और ये बोलेंगे कि मैं बारसुर, मैं बनासुर, मैं इसी तालूर गुफा में हमेशा क्या करता था? तो तपस्या करता था। तो भाई इस तालूर गुफा में तपस्या करने वाले कौन थे? राजा बनासुर थे। कौन थे? राजा बनासुर। तो आप मुझे बताओ कि जब कभी भी आप स्टेट हाईवे क्रमांक 5 से एंटर करोगे कहां पर? दंतेवाड़ा, तो आप कहां जाओगे? बारसुर। बारसुर का नामकरण किसके नाम से हुआ है? बनासुर के नाम से। बारसुर से आगे आप कहां जाओगे? गीदम। कहां जाओगे आप? गीदम। गीदम से कुछ किलोमीटर की दूरी में क्या है? समलूर। और समलूर में क्या है? शिव मंदिर। उस शिव मंदिर में प्रार्थना करने कौन जाते थे? राजा बनासुर। और उसी शिव मंदिर के पास एक गुफा है, नाम क्या है? तालूर गुफा, जहां विश्राम करते थे कौन? राजा बनासुर। क्लियर इतना? ठीक है, अब ये ध्यान देना, ये जो आपका गीदम है, इस गीदम में आपको एक नेशनल हाईवे भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? एक नेशनल हाईवे। ये नेशनल हाईवे मैंने आपको कल बताया था कि भाई तेलंगाना के निजामाबाद से एक नेशनल हाईवे निकलता है जिसका नाम है NH63। क्या नाम है? NH63। और ये जो NH63 है कि तेलंगाना के निजामाबाद से आगे बढ़कर कहां जाता है? भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम से हम कहां जाते हैं? बीजापुर। बीजापुर से हम कहां जाते हैं? भैरमगढ़। और भैरमगढ़ से आप कहां जाओगे? गीदम। और इसी गीदम से फिर आप कहां जाओगे? बस्तानार घाटी। क्या घाटी? बस्तानार घाटी। बस्तानार घाटी से कहां जाओगे आप? तोकापाल। तोकापाल से कहां जाओगे आप? जगदलपुर। जगदलपुर से कहां जाओगे आप? नगरनार। और नगरनार के बाद आप कहां जाओगे? उड़ीसा चले जाओगे। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका? NH63। तो अब ये ध्यान देना कि ये जो NH63 है, इसी NH63 से जब आप आगे बढ़ोगे तो आप कहां जाओगे? आप गीदम। और अब इस गीदम से आप दंतेवाड़ा की ओर जाओगे
तो मार्ग में आपको क्या मिलेगा, टेकनार। क्या मिलेगा आपको, टेकनार। और ये जो टेकनार है, जब कभी भी हम ये टेकनार पहुंचेंगे, इस टेकनार में आपको एक बोर्ड नजर आएगा और इस बोर्ड में ये लिखा रहेगा कि NMDC आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं समझ जाओ कि टेकनार के उस पार आप जाओगे तो आपको एरिया मिलेगा किसका, NMDC का। NMDC जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विच कैन बी एब्रीविएटेड एज NMDC, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1958। और जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, हैदराबाद। तो NMDC का स्थापना कब हुआ, 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हैदराबाद में। कहां पर है, हैदराबाद में। तो NMDC जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय